हेलो एवरीवन। तो देखिए, इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो रही है, इसमें इंडिया, सऊदी अरेबिया और यूरोपियन यूनियन ज्वाइन किया है, यूरोपियन यूनियन और यूएस को, इन दोनों ने। देखते हैं क्या है। जस्ट अ सेकेंड, चाहिए हो रहा है। फिर इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ज्वाइन द यूरोपियन यूनियन एंड यूएस। तो मतलब इंडिया एंड सऊदी अरेबिया ने ज्वाइन किसको किया है, यूरोपियन यूनियन एंड यूएस को। देखिए, हाथ तो खूब अच्छे से मिला रहे लोग, और ये तो स्टार प्लेयर है अपना, ये होते हैं ना स्टार प्लेयर है इंडिया के ये। टू लॉन्च अ पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट एंड द इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये हो गया। द लॉन्च ऑफ द ट्विन इनिशिएटिव केम आवर्स आफ्टर दी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अराइव हेयर टू पार्टिसिपेट इन दी G20 समिट विच विल बी फॉलोड बाई हिज स्टेट विजिट टू इंडिया ऑन मंडे। तो ये इंडिया में ही रहेंगे स्टेट विजिट के लिए भी। वी लुक फॉरवर्ड टू इंटीग्रेशन ऑफ द इनिशिएटिव एंड द इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट विच इज एन अनाउंसमेंट इन दिस मीटिंग। आई वुड लाइक टू थैंक दोज हु वर्क विद अस टू रीच हिज फाउंडिंग स्टेप टू इस्टेब्लिश दिस इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ऐसा बोला गया है क्राउन प्रिंस द्वारा इन इज ब्रीफ रिमार्क। इन्होंने ऐसा बोला है। वी बिलीव कनेक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज इंक्रीजेज नॉट ओनली बिजनेस बट ट्रस्ट बिटवीन देम टू प्रमोट कनेक्टिविटी इनिशिएटिव, मिस्टर मोदी सेड। कि मतलब बस ये चीज़ें लेन देन की बात नहीं होती है, बिजनेस की बात नहीं होती है, वो म्यूचुअल ट्रस्ट भी डेवलप करता है अगर चीज़ें कनेक्टेड हो तो। देखिए, इन हिज रिमार्क प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ऑफ फ्रांस डिस्क्राइब द इनिशिएटिव एज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एंड सेड आर इंटेंशन इज एज वेल टू मेक इट रियल एंड टू बी श्योर दैट आफ्टर दिस कमिटमेंट वी हैव कंक्रीट रिजल्ट एंड स्पेशली टू हैव द फर्स्ट ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड मीनिंग हैविंग नेट जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है, देखते हैं। ड्यूरिंग द स्टेट विजिट द सऊदी क्राउन प्रिंस विल होल्ड बाइलेटरल डेलीगेशन लेवल डिस्कशन विद मिस्टर मोदी एंड को चेयर द फर्स्ट लीडर मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल। ओके, दे विल रिव्यू द प्रोग्रेस मेड अंडर द टू मिनिस्ट्रियल कमिटीज ऑफ द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल, दैट इज कमिटी ऑन पॉलिटिकल सिक्योरिटी, सोशल एंड कल्चरल कोऑपरेशन एंड द कमिटी ऑन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन। तो दो कमेटी बनी है, उसके ऊपर वो देखेंगे क्या प्रोग्रेस है। सऊदी अरेबिया एंड इंडिया हैव बीन इंक्रीजिंग सिनर्जी विद द रिफ्लेक्टेड इन द मिलिट्री टू मिलिट्री एक्सचेंज इंक्लूडिंग बाइलेटरल एक्सरसाइज। अर्लियर लास्ट मंथ सऊदी अरेबिया एंड यूएई वर अमंग द न्यू परमानेंट मेंबर इंडक्टेड इन टू ब्रिक्स ग्रुपिंग डेट ऑल्सो इंक्लूडेड फॉर्मर राइवल ईरान। तो मतलब ये ब्रिक्स में भी अभी मिले हैं तो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। ब्रिक्स एक्सपेंड होगा, आपको मैंने बताया था 5 से 11 किया है ब्रिक्स को, डबल से भी ज़्यादा मेंबर घुसाए हैं ब्रिक्स में अभी। द विजिट कोइंसाइड्स विद द 3 डे लॉन्ग इवेंट टू हाईलाइट द मोस्ट सिग्निफिकेंट प्रोजेक्ट एंड इनिशिएटिव अंडर द विजनरी 2030 ऑफ विजन 2030 ऑफ सऊदी अरेबिया। द सऊदी मिनिस्टर ऑफ मीडिया इज ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट इन कोलेबरेशन विद NUM, द मिनिस्ट्री सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट एंड द मिनिस्ट्री ऑफ सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी। द इवेंट नेम मीडिया ओएसिस। अब मैं आपको यहाँ पे ओएसिस पता होना चाहिए क्या होता है। इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंडेड बाई सेवरल सऊदी मिनिस्टर एज द कंट्री प्लान्स टू शोकेस रेड सी इंटरनेशनल द शोकेस द लीडिंग टूरिज्म ऑब्जेक्टिव ऑफ द माउंटेन एंड सी साइड रिसोर्ट अलॉन्ग द रेड सी कोस्ट ऑफ द सऊदी अरेबिया। ही एग्जीबिशन सेड सेक्शन टू हाईलाइट द स्पोर्ट्स सेक्टर ऑफ सऊदी अरेबिया एनर्जी पोटेंशियल ऑफ द सऊदी इकोनमी। दिस इज द सेकेंड स्टेट विजिट टू इंडिया बाई द क्राउन प्रिंस। मिस्टर मोदी हैड विजिटेड सऊदी अरेबिया इन अक्टूबर 2019 वेन द टू साइड when the two sides established a strategic partnership council. India and Saudi Arabia have been cooperating in multilateral platform to deal with the contemporary challenges. The MEA said India is the second largest trading partner of Saudi Arabia and bilateral trade between the two sides reached $52.75 billion during 2022-23.
तो देखते हैं हमारे लिए क्या है इस आर्टिकल में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। चलिए सबसे पहले सऊदी का लोकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, दूसरा रेड सी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तीसरा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इकोनॉमिक कॉरिडोर है। इस इकोनॉमिक कॉरिडोर को अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड होगा, ये ग्लोबल ग्रीन ट्रेड रोड मतलब यहाँ पे कार्बन एमिशन नहीं होंगी चीज़ें ले आने ले जाने, जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वर्ड याद रखना है, जीरो ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होगा यहाँ पे इस आर्टिकल में, यहाँ पर दिया है ये चीज़। एंड इस आर्टिकल में रेड सी मैंने बता दिया, रेड सी कोस्ट हो गया। एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल जो 2019 में हुई थी, पता होना चाहिए, बाइलेटरल ट्रेड होने वाला है, 3 डे लॉन्ग विजिट पर है सऊदी। जस्ट अ सेकेंड। सऊदी अरेबिया का सेकंड सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है, सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इंडिया है सऊदी अरेबिया का, ये भी हमें पता होना चाहिए, इसलिए सऊदी अरेबिया के लिए इंडिया इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस आर्टिकल में हमारे लिए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हो गई है, फ्रांस ने वेलकम किया है, कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बस इतना ही है। तो आप देखिए कैसे जो बाइडेन, मोदी जी और सलमान बिन सलमान यहाँ पे हाथ मिला रहे हैं, खुश है। तो बस इस आर्टिकल में हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट होता है। सो थैंक यू गाइज एंड वर्क हार्ड कि आपका भी कोई अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर हो, रेड सी पढ़ लेना उससे पहले, सपने से जाने से पहले। ओके बाय बाय, वर्क हार्ड।